hello students, i'm vinay kumar singh. in our today's video lecture on law of torts, we will discuss the topic res ipsa locutor. this topic comes within the purview of negligence. in our previous video lecture, we have discussed the topic negligence in detail. and uh, in today's video lecture, we will discuss uh, a part of a uh, subtopic of negligence. ट इज रेस एप्सा लैक्यूटर अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करें लखनऊ स्टेट के सेमेस्टर एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं तो आप देखेंगे कि नेग्लिजेंस और रेस एप्सा लैक्यूटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में तो नेग्लिजेंस इन डिटेल पूछा ही गया है जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर टू देख पा रहे होंगे क्वेश्चन uh, ये टू थाउजेंड ट्वेल्व के पेपर में रीजनेबल फॉर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्यूटी टू टेक केयर अंडर नेग्लिजेंस एक्सप्लेन ठीक है तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसका शॉर्ट में भी देखिए पूछा है रेस एप्सा लॉक्यूटोर इज नॉट रूल ऑफ लॉ बट रूल ऑफ एविडेंस इसी तरह आप 2014 के पेपर में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी नो नेग्लिजेंस विदाउट ड्यूटी ड्यूटी टू टेक केयर नेग्लिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है फिफ्टीन के पेपर में शॉर्ट में आप देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट जो मैं भी आज डिस्कस करूँगा आपसे रेस एप्सा लॉक्यूटोर ये पूछा है सिक्सटीन के पेपर की बात करें हम तो देखिए नेग्लिजेंस जो है वो एज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है नेग्लिजेंस ड्यूटी ऑफ केस ड्यूटी ऑफ केस मस्ट बी ओन टू द ड्यूटी ऑफ केयर मस्ट बी ओन टू द्लेंटिव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केस लॉस ठीक है एटीन की बात करें तो देखिए व्हाट इज द रसाटो एक्सप्लेन इट्स फॉर द एप्लीकेशन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल हमें भी कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सेमेस्टर एग्जाम इज कंसर्न एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो ठीक है आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं के का जो ये सब टॉपिक है रेस एप्सा लकटुर देखते हैं समझते हैं क्या है रेस इपसा, रेस एप्सा एप्सा एक लैटिन टर्म है लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक ऑफ इट्सेल्फ थिंग्स स्पीक ऑफ इट्सेल्फ ठीक है आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अगर हम जनरल रूल की बात करें रिगार्डिंग नेग्लिजेंस रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस तो हम अपनी प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ये ओनस जो होता है ये बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ये प्लान्टिव के ऊपर होता है कि प्लान्टिव प्रूफ प्रूफ करे क्या बातें प्रूफ करे तीन बातें प्रूफ करनी होती हैं प्लान्टिव को कौन कौन सी बातें पहली बात जो प्लान्टिव को प्रूफ करनी पड़ती है वो ये है कि डिफेंडेंट ओज अ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर टूअर्ड्स द प्लान्टिव यानी डिफेंडेंट की एक लीगल ड्यूटी टू टेक केयर थी सेकेंड पॉइंट जो प्रूव करना पड़ता है प्लान्टव को इन केस ऑफ नेग्लिजेंस वो ये रहता है कि डिफेंडेंट ने जो उसकी लीगल ड्यूटी थी उसमें उसने ब्रीच किया है ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी और जो थर्ड पॉइंट प्रूफ करना पड़ता है प्लेंटिफ को वो ये प्रूफ करना पड़ता है कि उसको डैमेज कॉज हुआ है कैसे उसको कैसे डैमेज कॉज हुआ है प्लेंटिफ के डिफेंडेंट के उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से ही मुझे डैमेज कॉज हुआ है यानी पहले तो तीन बातें उसे प्रूफ करनी ही हैं पहला ये कि डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी थी ड्यूटी टू टेक केयर सेकेंड पॉइंट प्रूफ करना है कि उसने डिफेंडेंट ने ब्रीच किया अपने उस ड्यूटी टू टेक केयर का और जो थर्ड पॉइंट उसे डैमेज प्रूफ करना है लेकिन साथ ही साथ उसे यह प्रूफ करना है कि उसको जो डैमेज कॉज हुआ है वो डिफेंडेंट के उसी ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी की वजह से ही उसको डैमेज कॉज हुआ है ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्लान्ट को प्रूफ करना पड़ता है इन एवरी केस ऑफ नेग्लिजेंस ठीक है लेकिन ये जनरल रूल है इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसको आज हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे रेस लॉक्यूटर इसका क्या मतलब है जनरल सेंस में इसका मतलब यह है कि थिंग स्पीक्स फॉर इट घटना स्वयं बोलती है ये, ये उस एक्सेप्शन की बात कर रहा है ये वो एक्सेप्शन है फॉर प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस जहां पे डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ता है जहां पे जो ओनर्स होता है वो शिफ्ट कर जाता है किससे प्लान्टव से डिफेंडेंट को डिफेंडेंट को ये प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं वो अपनी पार्ट पे नेग्लिजेंट नहीं था जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लान्टिव से शिफ्ट होके डिफेंडेंट पे आ जाता है पहले प्लांटिव को प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी थी उसने अपनी लीगल ड्यूटी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया और उस ब्रीच की वजह से मुझे डैमेज कॉज हुआ लेकिन अगर ये जहां पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है रेस एप्सा लेकुटर वहां पे क्या होता है वहां पे ये होता है कि अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाता है और ये डिफेंडेंट को प्रूफ कर, करना पड़ता है कि वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट नहीं था उसकी जो भी लीगल ड्यूटी टू टेक केयर था उसका उसने ब्रीच नहीं किया है और इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ठीक है फॉर अ केस ऑफ रेस एप्सा लेकुटर द क्लेमेंट मस्ट सो क्लेमेंट मींस जो डिफेंडेंट है क्या शो करना पड़ता है नहीं फॉर अ केस ऑफ रेस एप्सा लेकुटर द क्लेमेंट मस्ट सो क्लेमेंट मींस प्लानिव प्लानिव को प्रूव करना है दैट द डिफेंडेंट वॉज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन विच कॉज द एंजरी कि जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ थीं उन सब पे किसका कंट्रोल था उस पर डिफेंडेंट का कंट्रोल था एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एक केस लॉ है एक केस लॉ के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक पर्सन होता है वो सड़क पे जा रहा होता है और एक वेयरहाउस से एक बैरल एक वेयरहाउस से एक बैरल कुछ इस तरह का होता है बैरल एक वेयर हाउस से एक बैरल आके उसके सर पे रास्ते में वो सड़क पे जा रहा था उसके सर पे गिर जाता है जिससे वो अनकॉन्शियस uh, हो जाता है और uh, उसको इंजरी कॉज होती है तो यहां पे घटना स्वयं बोल रही है कि जो जिस भी प्रमाइसिस से जिस भी हाउस से वो बैरल आके सड़क पे गिरा था वो किसके कंट्रोल में था वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में था तो यहाँ पे अब ये किसकी ड्यूटी यहाँ पे घटना स्वयं बोल रही है थिंग स्पीक ऑफ इट कि यहाँ पे डिफेंडेंट का ही फॉल्ट है ये डिफेंडेंट की फॉल्ट की वजह से ही वो बैरल आके सड़क पर गिरा और इस वजह से प्लान्टिव को इंजरी कॉज हुई ये डिफेंडेंट को अप्रूव करना पड़ेगा कि नहीं वो अपने पार्ट पर नेग्लिजेंट नहीं था उसकी गलती की वजह से ऐसा नहीं हुआ है अदरवाइज ये घटना स्वयं बोल रही है कि यहां पे शिफ्ट कौन, कौन ये, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट जो क्लाइमेंट को शो करना पड़ेगा वो क्या है द इंजरी वॉज मोर लाइकली देन नॉट टू हैव बीन कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस ठीक है इफ द क्लेमेंट कैन शो दीज टू थिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ मूव्स टू द डिफेंडेंट हुज टू प्रूव दैट ही शी वॉज नॉट नेग्लिजेंट ये दो पॉइंट्स जो हैं वो प्लेंटिव को प्रूफ करने पड़ेंगे या क्लेमेंट को प्रूफ करने पड़ेंगे उसके बाद ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो ओनर्स है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा वो अब डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाएगा कि वो प्रूफ करें कि वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट नहीं था ठीक है द जनरल रूल इज दैट द क्लेमेंट मस्ट प्रूव ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस दैट इज जो मैंने अभी बात की आपसे ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड कॉजेशन हाउ ओवर समटाइम्स द फैक्ट्स आर इनफ टू प्रूव द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस जहां पे घटना प्रत्यक्ष स्वयं बोल रही है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक सुभागवंती का केस केस देखा था उस केस में क्या हुआ था उस केस में एक दिल्ली में चांदी चौक के पास एक क्लॉक टावर होती है और उस क्लॉक टावर की मेंटेनेंस का जो जिम्मा होता है वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को होता है के पास होता है वो जो क्लॉक टावर थी उसकी जो एक नॉर्मल एज बताई गई थी वो करीब फोर्टी टू फिफ्टी इयर्स बताई गई थी लेकिन नब्बे साल हो चुके थे उस क्लॉक टावर को और क्या होता है कि पर्सन एक जा रहा होता है नीचे से या कई पर्सन वहाँ नीचे से जा रहे होते हैं और वो जो क्लाक होती है वो टूट के वहाँ ऊपर से नीचे गिर जाती है जिससे कई लोगों को चोट लगती है कई लोगों की डेथ भी हो जाती है वहाँ पे तो इस केस में जो प्लेंटिफ सुभागवंती होती है उसका हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हो जाती है वो कोर्ट में सूट फाइल करती है और कहती है कि ये इसके लिए टोटली कौन जिम्मेदार है इसके लिए टोटली डिफेंडेंट जिम्मेदार हैं और वो डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो मुझे कॉम्पनसेशन दें ठीक है इस केस के फैक्ट्स को और डिटेल में क्या हेल्ड हुआ था अभी हम देखेंगे पहले देखते हैं हाउ वर समाइम्स द फैक्ट्स आर इनफ टू प्रूव द डिफेंडेंट नेग्लिजेंट डिफेंडेंट इज नेग्लिजेंट ये जो हमने अभी दो एक सुभागवंती का केस देखा और इससे पहले मैंने आपको एक बैरल का एग्जाम्पल बताया द रूल ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड रेस एप्सा लेकुटर एक बात और बताया यहाँ मैं बता दूं कि ये जो रेस एप्सा लकटर है ये एविडेंस का एक प्रिंसिपल है ठीक है द फैक्ट्स स्पीक फॉर दैम सेल्फ द क्लेमेंट हैज़ टू शो दैट द डिफेंडेंट वॉज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन विच कॉज द क्लेमेंट द क्लेमेंट हैज़ टू शो दैट द डिफेंडेंट वॉज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन विच कॉज द क्लेमेंट इंजरी एंड द इंजरी वॉज मोर लाइकली देन नॉट टू हैव बीन कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस किस केस में यह हेल्ड हुआ था स्कॉट वर्सेज लंडन एंडीन सिक्सटी फाइव का केस था ठीक है 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 वही मीनिंग की बात कर रहा है, कर रहा रही स्लाइड क्या है स्लाइड में रेस एपसोल का मीन्स क्या है मीन्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व इट अप्लाइज वेन द इवेंट विच इज कंप्लेन ऑफ वुड नॉट ऑर्डनरली हैपन इन द एब्सेंस ऑफ नेग्लिजेंस यानी अगर वो क्लॉक टावर से अगर वो क्लॉक गिर रही है दैट मीन्स कि अगर डिफेंडेंट अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट ना होता तो ऐसा ऐसी घटना ना होती ठीक है इन सच केसिज द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट फ्रॉम द कंप्लेनेंट टू द डिफेंडेंट ही हैज टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट ही वॉज मीन्स डिफेंडेंट वॉज नॉट नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट अगर हम ये एक एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे रेस इप्सा लैकुटर में डॉक्टर्स कैसे या घटना जब जब हम इस बात का प्ली लेंगे तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस की बात है ये ये डॉक्टर ऑफ कॉमन लॉ ऑफ नेग्लिजेंस थिंग्स स्पीक फॉर इट इसके लिए मेडिकल नेग्लिजेंस में क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि पेशेंट हैज़ इन नो वे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज ओन इंजरी इंस्ट्रूमेंट कॉजिंग इंजरी वॉज़ इन सोल कंट्रोल ऑफ डॉक्टर द डैमेज वुड नॉट हैव अकर्ड इन द एबसेंस ऑफ नेग्लिजेंस यानी कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सर्जरी करते समय कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो आ, अंदर ही पेट में ही या जो भी चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं अंदर ही रह जाता है तो यहाँ पे लोग मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूफ करते हैं डॉक्टर के पार्ट पे प्रूफ करना पड़ता है तो यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जो पेशेंट को प्रूफ करनी पड़ती हैं ठीक है कुछ और इलस्ट्रेशंस देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डिफेंडेंट इज़ मोर डिफेंडेंट जो है वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट uh, है डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा जैसे अगर कोई पर्सन सड़क पे चल रहा है और किसी बिल्डिंग से एक ब्रिक आके एक ईंट आके गिरती है कोई पत्थर आके गिरता है और उससे जो पर्सन सड़क पे चल रहे होते हैं हाईवे पे चल रहे होते हैं उनको इंजरी कॉज होती है या इसी तरह आप कोई जो ब्रेड खा रहे हैं ब्रेड में अगर स्टोन निकल आए तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बस जो है जो अगर सड़क पे चल रही है और वो अचानक से ओवरटर्न हो जाए किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाए कैसे अगर कोई लाइव इलेक्ट्रिक वायर है वो ब्रोकन हो गया है टूट गया है और उस पर्सन से सड़क पे अगर वो गिरा हुआ है तो अगर इस पर्सन से किसी की डेथ हो जाए तो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों में कौन नेग्लिजेंस होगा इन 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 वो सारे एग्जांपल्स में डिफेंडेंट जो ही है वही ये घटना जो है स्वयं बोल रही है यहाँ पर कि डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट है अपने पार्ट पे एक केस लॉ है इसको समझते हैं नाइनटीन एट्टी का है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सू आरटीसी आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सी आरटीसी इस केस में क्या होता है एक रिक्शा होता है जो अपने सही साइड साइड से करेक्ट साइड से सड़क पे आगे चल रहा होता है ठीक है और सामने की तरफ से यानी रॉन्ग साइड से एक बस आ रही होती है रिक्शा जो है वो एकदम करेक्ट साइड से एकदम बढ़िया चल रहा है एकदम बढ़िया जा रहा है और सामने रॉन्ग साइड से बस आ रही होती है और बस की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है बस की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस रिक्शा वाले को हिट करती है और उसके साथ साथ रॉन्ग साइड में इलेक्ट्रिक पोल जो लगा होता है उससे जाके टकरा के बस जो है वो बंद हो जाती है तो इस इस केस में क्या प्रूफ होता है इस केस में ये प्रूफ हो रहा है घटना स्वयं बोल रही है यहाँ पे कि कौन नेग्लिजेंट है अपने पार्ट पे यहां पर प्लान्टिव को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्लाइमेंट को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहां पर डिफेंडेंट के ऊपर अब ये होना है कि वो प्रूफ करे कि वो नेग्लिजेंट नहीं था अपने पार्ट पे तो और अगर हम इस जो अभी हमने केस लॉ आपको भी बताया अभी आज्ञा कौर वर्सेज पे, पेप्सू आर टी सी ए आर नाइनटीन एट्टी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस केस में तो घटना स्वयं बोल रही है कि डिफेंडेंट जो है वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट है ठीक है एक और केस लॉ है ब्रेने वर्सेज बॉर्डल एटीन सिक्सटी थ्री ये वही केस है जो मैंने अभी आपको बताया था कि द प्लानिव वॉज गोइंग इन द पब्लिक स्ट्रीट वेन अ बैरल ऑफ फ्लोर फेल अपॉन हिम फ्रॉम द डिफेंडेंट वेयर हाउस विंडो देर वॉज नो एविडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लान्टव एज टू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड बियॉन्ड द फैक्ट्स दैट वाइल ऑन द रोड ही वॉज नॉक डाउन बाय द बैरल बिकम्स शियस एंड वॉज इंजर्ड वॉन्ट ऑफ केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स वॉज प्रज्यूम्ड एंड ही वॉज फॉर हिम टू शो दैट एंड इट वॉज फॉर हिम टू शो दैट द सेम वॉज सेम वॉज नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ केयर ऑन हिज पार्ट फॉर द बैरल्स डू नॉट यूजली फॉल आउट फ्रॉम विंडोज एंडलेस देर इज वॉन्ट ऑफ केयर यानी ये डिफेंडेंट को प्रूव करना है कि वो जो उसका उसकी गलती की वजह से जो बैरल है वो खिड़की से नहीं गिरा है ठीक है तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ रेस एप्सा लेकोटर का ही है कि ये भी एक एग्ज़ाम्पल है जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट केस लॉ है जो हमने अभी उसके फैक्ट्स देखे भी थे अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेल्ही वर्सेज सुभागवंती इसको पॉपुलरली क्लॉक टावर केस के नाम से भी जाना जाता है इन 1966 सुप्रीम कोर्ट केस का साइटेशन था इस केस में क्या होता है कि ड्यू टू द कोलेब्स ऑफ द टावर क्लॉक टावर सिचुएटेड अपोजिट टू द टाउन हॉल इन द मेन बाजार ऑफ चांदनी चौक अ नंबर ऑफ पर्सन डाइड द क्लॉक टावर बिलोंगिंग टू द यानी उसकी उसके केयर करने की उसके किसके ऊपर जिम्मेदारी थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डल्ही और वो जो क्लॉक टावर था वो इन्हीं के कंट्रोल में आता था ठीक है ट्रायल कोर्ट हैड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपल कमेटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द बिल्डिंग ट्रायल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया ट्रायल कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द प्लान ट्रायल कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी टू टेक केयर ऑफ द बिल्डिंग या जो टावर था उसकी टेक केयर की जिम्मेदारी किसकी थी uh, जो म्यूनिसिपल कमेटी थी उनकी थी हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था इस केस में हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सोला अप्लाई टू केस एंड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी टू कैरी आउट द पीरियडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग यानी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि वो पीरियडिकल क्या करे एक एग्जामिनेशन करे कि जो क्लॉक टावर था जो बिल्डिंग थी उसकी हालत कैसी है वो कब तक चल पाएगी इसमें क्या मैंटेनेंस की ज़रूरत है यह उसकी जिम्मेदारी थी ठीक है इसलिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्लेमेंट के फेवर में फैसला सुनाया और डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया अब डिफेंडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपील में जाते हैं और अपील uh, में वो कहते हैं इन एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट द कंटेंशन वाज दैट द डॉक्टर ऑफ रेस इप्सोलॉक्यूटर डू नॉट अप्लाई टू द केस दैट द फॉल ऑफ क्लॉक टावर वाज ड्यू टू एन इन एक्सीडेंट विच कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड बाई द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर और कॉशन यानी जो डिफेंडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में प्ली करते हैं कि ये एक एवेटेबल एक्सीडेंट था जिसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता था प्रॉपर केयर एंड कॉशन यूज करने के बाद भी नहीं रोका जा सकता था लेकिन कोर्ट ने इनके कंटेंशन को डिनाई किया और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द नॉर्मल रूल इज दैट इट इज फॉर द प्लान्टिव टू प्रूव नेग्लिजेंस

तो वही कोर्ट ने कहा कि द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट और हिज सर्वेंट्स एंड द हैपनिंग इज सच एज डज नॉट अकर इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ थिंग्स विदाउट नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट तो कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में सुभागवंती के केस में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डलही वर्सेज सुभा सुभागवंती केस में इस रेस एप्सा के प्रिंसिपल को जो है वो अप्रूव किया तो ये कॉन्सेप्ट लगभग आप समझ क्लियर हो चुका होगा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कब जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लान्टिव uh, से डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो जाता है एक लास्ट वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो और आएगा इस सेकेंड यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में उसके बाद हम अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके थैंक यू